पावर पॉइंट की लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट में एक छोटी सी वाच कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, चलती हुई वाच कैसे बनाई जाती है। तो एक छोटे छोटे बच्चों एनिमेशन है जो कि हम लोग क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके हम लोग एनिमेशन अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। आप लोग एक एक करके, सिस्टमेटिक वीडियो लगी हुई है, आप एक एक करके देखते चलिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करिए। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, वाच बनाने से पहले आपके पास ये पूरा स्लाइड होता है। ये स्लाइड के अंदर ही पूरा आप कलर डालिएगा, अच्छा सा कोई कलर डालिए जो कि वाच को वाच जैसे लगना चाहिए। बस एक सिस्टमेटिक आप डिजाइन के अंदर जाइएगा, डिजाइन के अंदर आपको मिलेगा एक बैकग्राउंड स्टाइल के नाम से ऑप्शंस, और आप अपने हिसाब का यहाँ पे अच्छा सा बैकग्राउंड सेट करिएगा। इसी के ऊपर राइट भी क्लिक करके आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का इन्होंने ऑप्शन तो नहीं दिया है, बस आप इस पर क्लिक करिए और यही फॉर्मेट ग्रेडियंट में आइएगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा व्हाइट कलर यहाँ पे सेट करना होगा बीच में, रेडियस जिसे आप लोग बोलते हैं, और अपने हिसाब से यहाँ पे कलर डालिए जो भी कलर है। यहाँ पे ब्लैक करिएगा और लास्ट टाइम में भी ब्लैक कर दीजिएगा, और यहाँ पे सर्कल ले लीजिएगा, सर्कल के अंदर सर्कल यहाँ पे जाएगा। पूरा एरिया आपका ब्लैक होना चाहिए, अभी आपका अच्छा लगेगा यहाँ पे वॉच। अच्छे से पहले यहाँ पे कलर फिट करिए आप। ध्यान से देखिएगा, हम लोग कलर बना पा रहे हैं, कोशिश यही है कि बन जाए, अच्छी वॉच हम लोग तैयार कर पाएंगे। और इसका कलर आपको जो पसंद हो उस हिसाब का कलर दे दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि यही कलर आपके लिए मस्ट है, जो भी आपके लिए मस्ट है उस हिसाब से आप बच्चों कलर यहाँ डालिए। फिलहाल ये अच्छा लग रहा है। अब ये पॉइंट्स होगा और हमारे चारों तरफ इसके एक वैल्यू टाइप करेंगे हम लोग। पहले उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक सर्कल बनाइएगा आप लोग, और उस सर्कल के अंदर बढ़िया सा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है सर्किल। आप नो फील कर दीजिएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कैसे नो फील करेंगे आप लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें। ऐसे बराबर इसको आप सेट कर लीजिए अपने पूरे स्क्रीन पर। इतना सेट करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो आप जो बढ़ाइएगा अच्छे से, जो भी आपको अच्छा लगती है, और इसका कलर व्हाइट रखिएगा, तब आप बेहतरीन माने जाएंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद अब आपका एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो है मेन पॉइंट्स तैयार करना। आपको ये देखिए पॉइंट्स है, इस पॉइंट के अनुसार ही आप सेट करिएगा जी। और यहाँ पे भी भाई आप व्हाइट ही रखिएगा, तभी आप बेस्ट कहलाए, और इसका आउटलाइन भी व्हाइट होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब आपको कुछ वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो वैल्यू पे सिंपल है, वर्ड आर्ट में चले जाइएगा, और वर्ड आर्ट में आने के बाद आप जैसे 12 लिखना चाहते हैं, बस आप 12 को यहाँ रख दीजिएगा। तीन चार वैल्यू आप सेंटर के तरीके आप सेट कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप वॉच को डिजाइन कर पाएंगे। कंट्रोल डी कर लीजिएगा, इसी का सेम वैल्यू निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ पे एक केंद्र में देखिएगा, यहाँ पे सेट करिएगा ऐसे, और आपने यहाँ पे 3 का टाइम दे दिया ऐसे, फिर इसी का सेम आप कॉपी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, डी करिएगा। आप भी यहाँ ध्यान दीजिए, ग्रिड लाइन से पता चलता रहता है कि एकदम सेंटर पे आप डेटा को सेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों 9 का टाइम होता है, बस आप कंट्रोल डी करिएगा और फिर इसको उठा के ला के 6 कर दीजिए ऐसे उठा के। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि केंद्र में ही आपका डेटा होना चाहिए, एकदम परफेक्टली बराबर, तभी आपको यहाँ पे लगेगा कि आप अच्छी सी वॉच एक डिजाइन कर पा रहे हैं। इतना क्लियर करने के बाद अब आपको छोटा सा मेहनत और करनी होगी। यहाँ पे
आप टाइमिंग स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग यहाँ पे देखिएगा एरो मिलते हैं आपको, एरो का सहारा जरूर लीजिएगा, बहुत सिस्टमेटिक तरीका और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ना समझ में आया बच्चों तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको बताने की, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि मेरा काम ही नॉलेज बांटना ही है। कंट्रोल डी और ऐसे, और इसको अपने हिसाब से बच्चों यहाँ पे सेट करिएगा, ऐसे एकदम परफेक्टली लगना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सेट कर लीजिएगा और इसकी जो लाइन होगी बच्चों वो पतली कर दीजिएगा, थोड़ा सा पतली कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आप अभी सेकंड वाली सुई को भी मेंटेन करेंगे, सेकंड वाली सुई को भी मेंटेन करना है, और ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ये थोड़ा सा विड्थ वाली है, इसको थोड़ा सा मोटी कर दीजिएगा, छोटी वाली है सबसे मोटी वाली है, ओके। इतना करने के बाद अभी आपका जो टाइम टेबल दिखाया जा रहा है, अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसी के ऊपर आपको कंट्रोल के साथ डी दबा भी सकते हैं और या डुप्लीकेट स्लाइड पर आप क्लिक करते जाइए, डुप्लीकेट पे आप क्लिक करते जाइए बस, और कुछ नहीं करना है, एक सिस्टमेटिक तरीका, डी करते जाइए, कंट्रोल डी, आप डी करते जाइए, इतना देर तक डी करते रहिए, तकरीबन 20-25 स्लाइड आप तैयार करिए। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहली स्लाइड तो आपकी स्क्रीन पर जो है, दूसरी स्लाइड पे आप जब आएंगे तो आप अपने इस सुई को थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे और इस सुई को भी थोड़ा सा आप मूवमेंट करेंगे हल्का सा, और इस सुई को भी हल्का सा आप मूवमेंट करेंगे अंदर ऐसे, ठीक है। और फिर आप थोड़ा सा यहाँ आएंगे तो थोड़ा सॉरी, नीचे वाली सारी स्लाइड आप डिलीट करेंगे बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे, गड़बड़ हमने कर लिया है, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम डुप्लीकेट करते जाएंगे। तो इससे बच्चों ये बेनिफिट होगा कि आपकी हर एक स्लाइड का मूवमेंट अपने हिसाब से आपको मिलता रहे, आपको गड़बड़ी नहीं होगी मूवमेंट करने में, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आप हल्का सा हर चीज को घुमा पाएंगे। फिर आप जैसे कंट्रोल के साथ यहाँ डी कर दीजिए, या फिर डुप्लीकेट पे आप क्लिक करिए, फिर आप बच्चों हल्का सा फिर यहाँ घुमाएंगे, हल्का सा फिर मूवमेंट करेंगे आप, ये देखिए ऐसे, ये आप इसको भी हल्का सा बच्चों मूवमेंट करिएगा ऐसे, ये देखिए सुई का आकार ना छोटा होने पर बच्चों ये केयर करना आपकी जिम्मेदारी है बस। फिर इसके बाद अगली स्लाइड में आप आते हैं, कंट्रोल डी करते हैं बच्चों, आप फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा इसको, थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ाते चलिए, थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको समझ में आता जाएगा ये, और इसको भी थोड़ा सा घुमाइए और ऐसे ही मूवमेंट करते जाइए, और फिर इसको बढ़ाइए हल्का सा ऐसे, फिर इसको भी घुमाइए थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे, और इसको भी घुमाइए थोड़ा सा नीचे ऐसे, ये देखिए। और इतना करने के बाद फिर से आपको कंट्रोल डी दबाना होगा, और जैसे आप कंट्रोल डी दबाएंगे आप इसको पकड़ के फिर आप यहाँ लाएंगे ये ऐसे, इसको भी आप यहाँ पे नीचे लाएंगे, ये तुरंत अपनी अपनी स्थिति से ये दोनों सुई चेंज होनी चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है जी। इसको हमें 12 पे पहुँचाना है और इसको हमें 3 पे पहुँचाना है, इसको 6 पे पहुँचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कैसे पहुँचाते हैं आप, और कितना अच्छा से मूवमेंट आप करा पा रहे हैं, जितना अच्छी एनिमेशन सेट करेंगे उतना ही अच्छा आप सॉरी उतने अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। कंट्रोल के साथ डी, फिर आप इसको पकड़िए और इसको हल्का सा यहाँ सेट करिए, ये देखिए ऐसे, और इसको पकड़ के लाएंगे और नीचे ऐसे, ये और इसको आप थोड़ा सा नीचे पकड़िए ऐसे, ये फिर से आप कंट्रोल डी करिएगा, और जैसे कंट्रोल डी करेंगे फिर आप इसको पकड़िएगा, हल्का हल्का मूवमेंट कर, इसमें कोई बच्चों एनिमेशन नहीं लगा रहे हैं, एक नॉर्मली डेटा बना रहे हैं बस आपको समझने के लिए कैसे एक वॉच की डिजाइनिंग, बच्चों की रिक्वायरमेंट थी इसीलिए मैंने इसको डिजाइन करना शुरू किया कि सर वॉच कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट पर बना के थोड़ा दिखाइए कैसे बनेगी एक छोटी सी वॉच, हम लोगों ने अभी तक बनाया नहीं, तो
हमने प्रयास किया कि चलिए देखते हैं, वाच बनाते हैं बच्चों। बहुत सिंपल है, कोई खास कठिन नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा टॉपिक है, बस आप केयर करते रहिए, आप इसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। ये देखिए, और इसको आप यहाँ पे ऐसे कैसे कंट्रोल डी करिएगा बच्चों, और आप यहाँ पे आके ऐसे बराबर सेट कर लीजिए, और इसको भी आप यहाँ से बराबर सेट कर लीजिए। सेकंड वाली सुई का कोई मतलब नहीं, वो तो बहुत फास्ट चलती है बच्चों, इसलिए से कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर रख सकते हैं, ऐसे कोई परेशानी नहीं। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको और इस बार ठीक है। अब आपके पास बच्चों इतने बड़े एनिमेशन सेट हो गए हैं, ये बार बार प्ले करेंगे, कैसे काम करेंगे वो आप ध्यान देंगे। इतना सेट करने के बाद बच्चों आपको थोड़ा सा काम और करना है, वो काम क्या है, वो काम है डिजाइन सॉरी एनिमेशन के अंदर जाना है आपको, सॉरी यहाँ पे ट्रांजिशन के अंदर जाना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे बच्चों सेट करना है, इसको टाइमिंग कम करना है, ऑटोमेटिक पे सेट करना है, और स्लाइड शो के अंदर जाना, प्ले ट्रांजिशन के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक याद रखिएगा, ये यहाँ पास अप्लाई करना आप नहीं भूलिएगा, ये टिक करना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये यहाँ पे टिक लगाना इम्पोर्टेंट है, और ये आप अप्लाइड वाल करेंगे, ये टाइमिंग आप एक सेकेंड ही रखिएगा, अब माउस पे टिक नहीं होना चाहिए ठीक है, क्योंकि आपको माउस के साथ प्ले नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक प्ले करना है, तो ऑटोमेटिक प्ले करना होता तो इसी तरीके आप करेंगे। और सेटअप स्लाइड शो के अंदर एक कमांड होती है, सेटअप में आइएगा, जो सेटिंग है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंडिकेट भी कर देता हूँ कि जे वाले पे टिक करिएगा, इसको मैं बोला कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जिस पे इसको आप टिक करिएगा, ये आपकी मेन टॉपिक होता है, इसको आप याद रखिएगा, इन पर टिक करना है। टिक करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पास यूजिंग टाइमिंग्स और ओके, और यहाँ पे आपको आपके ट्रांजिशन में आके आप लाइट वाल कर देना, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, एक सिस्टम है, बस आप कीबोर्ड से प्ले करने के लिए या F5 की भी प्रेस कर सकते हैं, और स्लाइड शो के अंदर आप जाके आपके पास लिखा होगा फ्रॉम बिगनिंग का ऑप्शन, जिसकी शॉर्ट की F5 ही होती है, और बस आप इसे F5 करिए और आपकी स्क्रीन पर देखिए वॉच चलती हुई दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। देख पा रहे हैं, एक छोटी सी वॉच है, एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई है, किस तरीके से वॉच का डिजाइन बनाना है, स्क्रीन पर कब तक ये मूवमेंट करेगी, जब तक आपको बिजली मिलेगी, जब तक आपके सिस्टम को करंट मिल रहा है तब तक ये मूवमेंट करती रहेगी, बंद नहीं होगी, स्क्रीन से बंद नहीं होगी जब तक आपके कोई कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर को करंट मिल रहा होगा। ओके, जैसे करंट मिलना बंद हो वैसे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, क्योंकि स्लाइड कहने का मतलब है ये एक एनिमेशन है ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आया समझ में, मिलते हैं बच्चों।